चिड़िया के घोंसले की कहानी। एक समय की बात है, टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पंछियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पंछियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। यूं तो टीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पंछियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गौरैया, दर्जिन, लावा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रहती। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक-एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पंछियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लवा चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया है। टीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसला बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगे। टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनको और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है, क्या आप इसे मुलायम बना देगी? किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू लवा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन टीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लवा पक्षी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, देखो तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही लवा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लवा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में टीनू की माँ बोली,
हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लवा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद टीनू ने लवा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहर कर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। टीनू ने स्कूल जाकर लवा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर टीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीनू रोज चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। कहानी से सीख। चिड़िया के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है।